नमस्कार, पर्यावरण पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दूसरी बार सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री अपने पहली विदेश यात्रा में मालदीव पहुंचे हैं। यहां उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया है। अपने एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मालदीव की संसद को संबोधित भी करेंगे। मालदीव एक ऐसा देश है जहां मात्र 5 लाख की आबादी है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने और उनके साउथ ब्लॉक के अधिकारियों के मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने पहली विदेश यात्रा मालदीव की रख दी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा आखिर क्यों किया गया। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव प्रधानमंत्री मोदी इस वजह से गए हैं ताकि वो वहाँ पर कोस्टल सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन कर सकें, जिसकी मदद से समुद्र में जहाज को ट्रैक करने में हमें मदद मिलेगी। पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो मालदीव में चीन ने अपनी पकड़ बना रखी है और वो वहाँ पर निवेश भी कर रहा है। अब ऐसे में भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि चीन उसके करीब आए, क्योंकि मालदीव से लक्षद्वीप मात्र 700 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो ऐसे में पड़ोसी देश वाली रणनीति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से कोशिश की है कि उनके जितने भी भारत से जुड़े हुए भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं उनके साथ उनके संबंध अच्छे बने रहें। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पहला एक दिवसीय दौरा मालदीव का रखा है। वहीं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा यह भी है, चीन फैक्टर। दरअसल 2013 से 18 के बीच में मालदीव में एक ऐसी सरकार रही जिसने भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए और इसी बीच चीन ने वहां पर निवेश कर दिया। अब निवेश की अगर बात करें तो इसी के चलते मालदीव के ऊपर 70% विदेशी कर्जा चीन का है। वहीं अब मालदीव में एक ऐसी सरकार है जो भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है। तो ऐसे में भारत एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता कि वो अपने पड़ोसी देश को अपने से दूर कर सके। प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल वहाँ के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे और इस बार भी उन्होंने अपना एक दिवसीय दौरा मालदीव का रखा, ताकि दोनों देशों के बीच में जो कड़वाहट थी वो दूर की जा सके और दोनों देश एक दोस्ती का हाथ बढ़ाकर साथ साथ अपना कदम बढ़ा सकें। हालांकि समुद्री व्यापार और नौसेना की दृष्टि से मालदीव दोनों देशों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी वजह से भारत और चीन मालदीव के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगे हैं। आपको बता दें, जहाँ मालदीव की आबादी 5 लाख है, वहीं हर साल 10 लाख के करीब लोग वहां घूमने जाते हैं। आपको बता दें कि मालदीव का भारत के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत ही पुराना है। तो आशा करती हूं कि यकीनन आपको ये बात समझ में तो आ ही गई होगी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पहला विदेशी दौरा मालदीव के लिए क्यों रखा।